तुम लोगों में से काफी सारे लोगों को जैसे तुम लोग पोजैब लॉन्चर खेलते हो उसकी 10-15 मिनट बाद तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा हीट होने लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और हीट होने से बचाए कैसे फोन को और हीट होने से होता क्या है? देखो, पहली बात तो हीट होने से तुम्हारा FPS बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। भाई तुम्हारा FPS बिल्कुल भी नहीं आता अगर तुम्हारा पोजैब लॉन्चर हीट हो जाता है उसके साथ प्रोसेसर, ठीक है। तो अभी बहुत बंदों का मतलब क्वेश्चन है कि भाई कौन से मोड्स चलाए। देखो भाई, मोड्स में तुम लोग अगर ऑप्टिफैब्रिक चलाओगे तो तुम लोगों का बिल्कुल भी मतलब हीट नहीं होगा। फिर भी मैं तुम लोगों को कुछ आज टिप्स देने वाला हूँ एंड कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको इनेबल करने के बाद तुम्हारा जो पोजैब लॉन्चर खेलने के 1-2 घंटे बाद भी तुम्हारा फोन ज्यादा हीट नहीं होगा। मैक्सिमम तुम्हारा फोन 40 डिग्री तक हीट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने आजकल ऐसे टिप्स यूज करके खेल रहा हूँ तो मेरा मुझे पता है, ठीक है। तो आज वीडियो पे सारे टिप्स बताता हूँ, सही से फॉलो करना जिससे तुम्हारे FPS भी आए एंड तुम्हारा जो गाइस गेम हीट भी ना हो। क्या भाई, क्या टुकुर टुकुर वीडियो को देख रहे हो? लाइक के बटन को दबा दो भाई, फ्री होता है लाइक के बटन को दबाना। अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 10K सब्सक्राइबर्स की, तो प्लीज सब्सक्राइब हिम कंप्लीट 10K। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टिप्स की। तो फर्स्ट टिप्स जो है, तुम्हें भाई इस माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। तुम्हारे वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद जो मैक्सिमम फ्रेम्स को होता है उसको तुम लोग कर दो 80-90। तो 80-90 फ्रेम्स करने के बाद होगा क्या, तुम्हारा जो FPS है वो 90 तक ही आएंगे, ठीक है। जिसके मदद से तुम्हारे प्रोसेसर को बहुत ज्यादा कम प्रेशर पड़ेगा जिससे तुम्हारा फोन का प्रोसेसर हीट नहीं होगा और उसकी मदद से तुम्हारे जो FPS है लिमिटेड रहेंगे और तुम्हारा फोन हीट नहीं होगा। और हीट नहीं होगा तो वैसे भी तुम्हारा FPS ज्यादा आने ही वाले हैं और तुम लोग समझ रहे होगे। अगर तुम लोग ज्यादा FPS करते हो तो तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा हीट होता है क्योंकि तुम्हारा CPU गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। एंड चंक्स को भी तुम लोग ज्यादा मत करना, 4 चंक्स में खेल सकते हो, बिना लैग के खेल सकते हो 4 चंक्स में इजीली, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सेकंड टिप्स के बारे में। तो सेकंड टिप्स के बात करने से पहले भाई और लास्ट इस टिप को देख के जाना क्योंकि लास्ट जो टिप्स है भाई, टिप्स जो है ना बहुत खतरनाक टिप्स होने वाला है, बहुत अच्छा टिप्स जिससे भाई तुम लोगों के FPS इतने अच्छे आने वाले। अगर तुम्हारा फोन 50 डिग्री भी हीट होगा तो भाई 1 मिनट के अंदर तुम फोन जो है फिर से 30 डिग्री हीट में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसको कैसे करेगी यार, तो लास्ट टिप तो देखना ही पड़ेगा ना तुम लोगों को। तो अभी बढ़ते हैं सेकंड टिप्स के बारे में। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, पोजैब लॉन्चर के अंदर एक क्लाइंट को इंस्टॉल करने वाले। क्लाइंट को इंस्टॉल करके होगा क्या, क्योंकि गाइस क्लाइंट के अंदर ऑप्टिफैब्रिक रन कर रहा होगा और ऑप्टिफैब्रिक तुम लोगों को पता ही होगा वो है हमारा ऑप्टिफाइन, यू नो। ऑप्टिफैब्रिक के अंदर क्या होता है, तुम लोग बहुत सारे मोड्स चला सकते हो एंड मैंने बहुत सारे FPS बूस्ट मोड्स प्लस बहुत कुछ डाला है उस क्लाइंट के अंदर और उस क्लाइंट के अंदर तुम्हें बहुत अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। ऑप्टिफैब्रिक मतलब फैब्रिक से ज्यादा FPS तुम्हें देखने को मिलेंगे उसमें, ऑप्टिफैब्रिक वाले में। एंड तुम लोग ऑप्टिफाइन प्रोफाइल से भी खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास इस वर्जन से तुम खेलते हो तो तुम लोग इसी क्लाइंट से खेलना जो मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूं, क्योंकि ये क्लाइंट तुम्हें FPS प्रोवाइड करने के लिए टॉप नॉच है, ठीक है। तो फटाक से क्लाइंट को इंस्टॉल करते हैं, देखते कैसा चलता है। तो देखो यार, तुम्हें क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कमेंट से डाउनलोड कर लेना होगा एंड डाउनलोड करने के बाद तुम्हें जेड रिसीवर को खोल लेना है। एंड जेड रिसीवर को खोलने के बाद तुम्हें बस इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पे दबाने के बाद तुम्हें डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉइड डाटा, फिर नेट के डेटा, पोजैब लॉन्चर और फाइल्स के अंदर आने के बाद तुम्हें बस इधर एक्सट्रैक्ट कर देना है और इधर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। तुम्हें पहले पोजैब लॉन्चर को ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाना है। फैब्रिक प्रोफाइल पे जाने के बाद तुम्हें 1.20.4 वाले वर्जन को क्रिएट करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक प्रोफाइल है तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है, मैं कहां पर ये रहा। फिर तुम्हें पेंसिल पे दबाना है, फिर तुम्हें रन टाइम को जो है 17 कर देना, मैंने गलती से 18 कर दिया, तुम्हें 17 करना है, ठीक है। उसके बाद होल्ड एंटर करना है, फिर सिलेक्ट वाले फोल्डर पे दबाना है, फिर हमारा क्लाइंट के अंदर जाना है, फिर सिलेक्ट फोल्डर के अंदर जैसे दबाओगे फिर सेव करोगे, फिर तुम लोगों को प्ले करोगे तो इजीली प्ले हो जाएगा। तो यार मैं गेम की होम स्क्रीन पे आ चुका हूं, तुम लोग देख सकते हो क्लाइंट के इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। एंड मोड्स की बात करें तो सारे फैब्रिक में नहीं चल रहा है, सारे चल रहे हैं ऑप्टी फैब्रिक में। एंड तुम लोग अपने हिसाब से FPS बूस्ट सेटिंग कर सकते हो, मैंने FPS सेटिंग पहले से करके रखा है, ठीक है। तो अभी गेम के अंदर जाके देखते हैं कि FPS कैसा आ रहा है। तो FPS की बात करें तो हमारे डिसेंट से FPS हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे खेलने के लिए इनफ है। और तुम लोग अगर ज्यादा FPS करोगे तो तुम्हारा ही रिस्क है क्योंकि तुम्हारा फोन ही हीट होगा। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर जो कि तुम्हारा फोन बहुत ही जल्दी हीट से कूल डाउन कर देगा। तो थर्ड स्टेप में बहुत कुछ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने फोन के कवर निकाल के गेम खेलना है। अगर तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा हीट हो रहा है तो फिर तुम्हारा और एक स्टेप है, अगर तुम्हारे घर पे फ्रिज है तो तुम उसको 30 सेकंड के लिए फ्रिज में डाल सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, अपने घर का जो फर्श है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो तुम क्या करो अपने फर्श के ऊपर अपने फोन को 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट रख दो, तो तुम्हारा फोन जो ऑटोमेटिक कूल डाउन हो जाता है। मैं भी ये ट्रिक यूज करता हूँ, अगर ज्यादा हीट हो जाता है तो मैं फ्रिज में डाल देता हूँ 3 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं 30 सेकंड के लिए डालता हूँ। वो अपने रिस्क पे तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, ठीक है। फर्श पे डाल सकते हो या फिर तुम लोग मोबाइल को जाकर फ्रिज में डाल सकते हो, ज्यादा नहीं 30 सेकंड के लिए दरवाजा खोला रखना, ठीक है। तो इतना ही था और इसी ट्रिक से तुम्हारा जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी कूल डाउन हो जाता है। मैंने भी ये ट्रिक यूज किया है और इस ट्रिक को यूज करने के बाद भाई क्या ही बताओ, इतने अच्छे जल्दी FPS आ जाते हैं। अगर ज्यादा हीट हो जाता है तो मैं 30-40 सेकंड में अपना फोन कूल डाउन कर लेता हूँ। तो यार वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।